गाड़ी की बॉडी में छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर बॉडी बनाता हूँ। जैसे क्या होता है, जो पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी आती है, सबसे ज़्यादा क्रैकिंग यहाँ पर आती है। आपने जनरली देखा होगा जो गाड़ी की बैक होती है और कैबिन होती है, ये जो बत्ता एडुआ हम लगाते हैं, इसमें क्रैकिंग की बहुत ही ज़्यादा वीक पॉइंट्स आ जाते हैं। उसको वीक पॉइंट को कवर करने के लिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। यहां पर देख सकते हो आप जम्मू एंड कश्मीर की ये गाड़ी है, डिस्ट्रिक्ट पूंछ की, और बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल में हमने ये गाड़ी तैयार की है। और फ्रंट व्यू आप देखते हो, बहुत ही हैवी डायनेमिक फ्रंट व्यू आ रहा है। और रात का हम आपको फुल व्यू हम आपको दिखाने वाला है, क्योंकि रात के व्यू में आपको क्लैरिटी पूरी विजिबल रहेगी। LED लाइट्स का सारा काम, जो भी यहाँ पर सफाई का काम हमने बारीकी के साथ यहाँ पर गाड़ी में किया है, चाहे वो फ्रंट का काम हो, कैबिन का पांच छत्ती कैबिन का काम हो, साइड का काम हो, बॉडी का काम हो, डाले का काम हो, तो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मेन बात आ जाती है इस गाड़ी के फ्रंट की। फ्रंट इस गाड़ी का तिरछापन है, जो टेपर है जो गाड़ी, वो 18 इंच गाड़ी हमने तिरछी बनाई हुई है, ताकि हवा को काट कर ये चले। जितनी हम गाड़ी तिरछी बनाते हैं, उतना वो टूल बॉक्स छोटा बनता है। मां के चलिए जो दस्ते तरपाले की रखने की जगह होती है, वो छोटी हो जाती है। मेन बात आ जा रही है, यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर मक्का मदीना जी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, और साथ में गुड्स कैरियर माशाल्लाह की यहाँ पर बैजिंग हुई है, इस्लाम जिंदाबाद के स्लोगन्स यहाँ पर मिरर पर यहाँ पर साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं, और यहाँ पर देखते हो बच्चों के यहाँ पर नाम लगे हुए हैं। और वाइपर मशीन इस गाड़ी की हमने नीचे फिट की है। जनरली जम्मू एंड कश्मीर की जो गाड़ियाँ, उसमें वाइपर मशीन है वो ऊपर फिट करते हैं, यहाँ पर हमने नीचे ही वाइपर ब्लेड लगाए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लुक होता है नीचे में फिट करने का। यहाँ पर सबसे पहला जो रीज़न होता है, ताकि आपकी जो राइटिंग है शीशों पर वो कटती नहीं है, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। और जब भी कोई गाड़ी देखता है, और साथ में डबल आई कैट्स का काम, और शो की बात करें तो यहाँ पर वाइट शो हमने यहाँ पर साथ में टाटा की ओरिजिनल शो रखी है, और यहाँ पर मूछों का काम, यहाँ पर प्रिंटिंग, और बम्पर को हमने यहाँ पर पैरेट ग्रीन कलर दिया है, और यहाँ पर देखो कैनेडा फ्लाइट की यहाँ पर राइटिंग की हुई है। साथ में यहाँ पर 3M टेप के यहाँ पर खंडे लगे हुए हैं, स्टील की यहाँ पर पौड़ी लगाई हुई है। इंडिकेटर्स को कवर करने के लिए यहाँ पर हमने स्टील का काम किया हुआ है, यहाँ पर BS6 की यहाँ पर बैजिंग दोनों ही साइड पर, 786 के यहाँ पर मार्के लगे हुए हैं। वो गाड़ी ये पहाड़ी रास्तों पर चलनी है, मेन बात हो जाती है इस गाड़ी में। यहाँ पर देखते हो आप, डबलिंग का काम हमने आपको यहाँ पर साथ में रखा, यहाँ पर डबलिंग का काम भी आपको एंगल के साथ डबलिंग हम आपको साथ में करवा कर देंगे। 6 पाइप का यहाँ पर प्रेशर हॉर्न, अमृतसरिया प्रेशर हॉर्न हम आपको यहाँ पर साथ में बना कर देंगे। यहाँ पर जो लाइट्स लगी हुई हैं, ये भी हम आपको साथ में बना कर देंगे LED लाइट्स के साथ। और नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पर भी आपको अच्छी तरह से यहाँ पर विजिबल है, लाइट्स बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस की हुई हैं। और यहाँ पर देखते हो मैट्स लगे हुए हैं आगे की तरफ, फ्रंट मैट्स। मेन बात आ जाती है कैबिन का जो सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ से हम तान लगाते हैं, ये सिंगल पीस में हम लगाते हैं, कोई इसमें कटिंग नहीं करते। बम्पर के यहाँ पर सिंगल पीस में हम तान निकालते हैं वेल्डिंग के साथ, और उसके साथ ही हम कैबिन का पूरा स्ट्रक्चर इसी के साथ बनाते हैं। जब भी गाड़ी खड्डे में चलती है, तो ये आपकी प्रॉब्लम हमारे पास बिल्कुल इसका सोल्यूशन है, कोई भी कैबिन में आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ पर बम्पर है जो, वो देख सकते हो आप, यहाँ पर माँ बाप की दुआ, जन्नत की हवा, सारी राइटिंग काम बहुत ही बखूबी और अच्छी तरह से यहाँ पर हमारे द्वारा किया जाता है। हर एक काम मैं आपको यहाँ पर करवा कर दूंगा। और अभी हम चलते हैं इस गाड़ी के साइड व्यू में। साइड व्यू से पहले इस गाड़ी का थोड़ा सा हम आपको कैबिन का वर्क दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको साइड व्यू दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको कैबिन के अंदर के वर्क व्यू में। कश्मीरी कैबिन की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे मेन पार्ट होता है, जो छत है, पांच छत्ती ये कैबिन हमने यहाँ पर बनाई हुई है। पांच छत्ती कैबिन जनरली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहली छत, दूसरी छत, तीसरी, और उसके बाद चौथी और पांचवीं छत, ये पांच छत्ती कैबिन हम साथ में बना के देते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, जो भी यहाँ पर बॉक्सेज होते हैं वो नीचे की तरफ यहाँ पर खुलते हैं, यहाँ पर आप नीचे की तरफ खुलेंगे, और जो सिंगल छत्ती है उसमें आपको साइड बॉक्सेज आपको यहाँ पर साइड पर खुलते हैं। पीछे में अगर मेन बक्से की बात करें, तो यहाँ पर देखो मेन बक्सा है जो, वो आप यहाँ से आसानी से यहाँ पर खोल पाएंगे। और स्टील का काम स्टील हैंडल्स के साथ यहाँ पर हुआ, लॉक की फैसिलिटी भी हम आपको साथ में यहाँ पर करवा कर देंगे। यहाँ पर आसानी से यहाँ पर आप इनग्रेस कर सकते हो, अंदर सामान वगैरह अपना रख सकते हो। और स्पीकर्स देख सकते हो आप, इस गाड़ी में अंडाकार स्पीकर्स ही लगते हैं, 10 इंची गोल स्पीकर्स नहीं लग सकते, क्योंकि पाँच छत्ती कैबिन यहाँ पर स्पेस कम हो जाती है।
गाड़ी के कंफर्ट की बात करें तो हैवी सीट्स हम आपको यहाँ पर साथ में बना कर देंगे, और जो गियर लीवर है यहाँ पर तो आराम से यहाँ पर बराबर पोजीशन पर दिया हुआ है। जब भी आप गाड़ी में अंबर रेस्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं देगा। साथ में दो पिलोज आपको साथ में बना कर देंगे, और एरो कॉर्नर्स हम गाड़ी के अंदर बना रहे हैं। यहाँ पर देखो जो भी यहाँ पर कॉर्नर्स है सारे स्टील की यहाँ पर बैजिंग हुई हुई है। एरो कॉर्नर्स हमने साथ बनाई हैं, बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सामने भी यहाँ पर देखो एरो कॉर्नर्स आपको यहाँ पर रहने वाले हैं, और सेफ्टी के लिहाज से ये गाड़ी का कैबिन है वो पूरा ही अच्छी तरह से हम कैबिन का स्ट्रक्चर एंगल कैबिन का साथ में बनाया, उसके ऊपर लकड़ी वर्कर पूरा ही ठोस और मजबूत कैबिन बिल्कुल सूखी लकड़ी का हम यहाँ पर आपको काम करवा कर देंगे। कश्मीरी गाड़ी है ये, और जैसे आपने काम करवाना है आप वैसे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वैसा दिखा सकते हो भी ऐसे ही हमने गाड़ी तैयार करनी है, तो उस हिसाब से हम आपको उसका प्राइस डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। छोटी छोटी बातें जैसे यहाँ पर और सामान रखने के लिए यहाँ पर हमने यहाँ पर हैंडल्स लगाए हुए हैं, स्टील हैंडल्स देख सकते हो आप दोनों ही साइड, और जैसे मैं गाड़ी पर बैठा हूँ कई बार यहाँ पर देते हो आपको यहाँ पर आपको छोटे हैंडल्स जैसे बसों में हैं वो भी हम आपको साथ में लगा कर देंगे, और यहाँ पर देते हो चूड़ा यहाँ पर हम आपको साथ में बना कर देंगे। मंदिर का काम अगर हम आपको करवाएँ तो यहाँ पर देखते हो मंदिर का काम भी आप यहाँ पर देखते हो, और मक्का मदीना जी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, और साथ में फ्रंट पर यहाँ पर देख सकते हो आप ग्रीन ग्रास की यहाँ पर मैटिंग हुई है फ्रंट में पूरे ही अच्छी तरह से बिल्कुल, और जो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लोअर का यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है वो देख सकते हो, लाइट्स के साथ हमने ब्लोअर यहाँ पर सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा बारीकी के साथ यहाँ पर काम हुआ, LED लाइट्स के साथ फिनिशिंग की हुई है। यहाँ पर जब मैं यहाँ पर ABC एक्सेसरीज को कंट्रोल करूँगा, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच को यहाँ पर दबाऊँगा गाड़ी चलाते वक्त, तो नीचे यहाँ पर लाइट्स का काम यहाँ पर इजीली यहाँ पर दोनों ही साइड आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मैग्नेटिक्स बॉक्सेस यहाँ पर आपको फ्रंट में यहाँ पर दोनों ही साइड आपको यहाँ पर मिलेंगे, और फ्रंट में यहाँ पर देखते हो आपको मिरर्स हैंडमेड मिरर्स आपको यहाँ पर हम साथ में बना कर देंगे, और पूरा कैबिन का व्यू आप इस मिरर से आप पूरे कैबिन में आप जा सकते हो एक ही पॉइंट पर, मेन बात हो जाती है। और इस गाड़ी में जो सनमाइका है वो सारा 3D ग्लॉस सनमाइका लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्रूज का काम बहुत ही बारीकी के साथ किया हुआ है, स्टील स्क्रूज का काम पीछे में यहाँ पर स्टील पाइप्स के यहाँ पर देखते हो, कपड़े वगैरह टांगने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है, 3D कैबिन यहाँ पर ट्राला डिज़ाइन, पंखा, म्यूज़िक सिस्टम भी है और मोबाइल चार्जर है, म्यूज़िक सिस्टम में यहाँ पर LCD यहाँ पर हमने साथ में प्लेस की हुई है, और यहाँ पर सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है। और इस गाड़ी में अंदर से भी हमने यहाँ पर डबलिंग की है, जो हमने पहले आपको बाहर से डबलिंग है अंदर से हमने एंगल लगाया, पत्ती लगाई हुई है, पूरा ही जो डैशबोर्ड है वो डबलिंग के साथ हमने साथ में बनाया हुआ है। मेन बात आ जाती है साइड देखने में हम विजिबिलिटी अच्छी हो, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमने यहाँ पर मिरर्स का काम किया हुआ है, और पर्दे यहाँ पर साथ में लगे हुए हैं, यहाँ पर देखो गोल्डन लुक में वेलवेट कलर के यहाँ पर डिज़ाइन के यहाँ पर आपको पर्दे यहाँ पर आप साथ में बना कर देंगे। खिड़की पर भी आपको ट्राला डिज़ाइन आपको मिलेगा, और ब्रीक जाली प्लस हैवी जाली आपको स्लाइडिंग पर आपको मिलने वाली है, और जो मिरर आपको मिलने वाला है यहाँ पर आपको डबल सेफ्टी ग्लास मिरर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स की वहाँ पर वेजिंग होगी, और फायर स्टॉप भी आपको सेफ्टी के लिहाज से हम कनेक्टर साइड पर फायर स्टॉप भी आपको साथ में लगा कर देंगे। लाइटिंग काम बहुत ही इस गाड़ी में ज़बरदस्त हुआ हुआ है, और अगर आपको इस गाड़ी का कैबिन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाना, और साथ में हमारे YouTube चैनल को और Facebook चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। तो मिलते हैं आपको गाड़ी के साइड व्यू में, साइड व्यू में हम बात करते हैं क्या क्या आपको साइड व्यू में नया मिलने वाला है। जो कश्मीरी गाड़ी का साइड कैबिन व्यू है यहाँ पर, तो मेन बात आ जाती है साइड स्टील कैबिन के ऊपर सारी हाफ स्टील में ये गाड़ी तैयार हुए, उसके बाद यहाँ पर जेट का यहाँ पर डिज़ाइन हुआ वो भी स्टील में यहाँ पर साथ में बनाया हुआ है, और यहाँ पर तिरंगा कलर यहाँ पर हमने साथ में बनाया हुआ है, महाराजा घोड़ा नीचे में, और पांचा चादर यहाँ पर लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप स्टीली मडगार्ड यहाँ पर साथ में बनाया हुआ है, नीचे में यहाँ पर लाइटिंग काम भी यहाँ पर किया हुआ है अच्छी तरह से, फुट स्टेप पर भी यहाँ पर स्टीली चादर यहाँ पर साथ में लगी हुई है, और यहाँ पर साइड डिज़ाइन देख सकते हो आगे में यहाँ पर देख सकते हो आप स्टीली यहाँ पर इंडिकेटर भी हमने साथ में प्लेस किया हुआ है, और हैंडल्स देख सकते हो आप, हैंडल्स हमने इस प्रकार से बनाया ताकि आप खिड़की खोलें तो आपकी उंगल को ये टच ना करे यहाँ पर देखो, और बिल्कुल सूखी लकड़ी का हम काम कर रहे हैं खिड़की में, आवाज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, और मेन बात आ जाती है साइड विजिबिलिटी की, साइड विजिबिलिटी के हमने मिरर्स में यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर हमने काम किया हुआ है, और यहाँ पर कब्जे हैं वो भी हमने हैवी क्वालिटी के यहाँ पर कब्जे लगाए हुए हैं, ऊपर में देख सकते हो आप यहाँ पर जो कैबिन है उसके ऊपर यहाँ पर हमने
यहाँ पर पाइप से काम, उसके ऊपर भी हमने पाइप से काम किया हुआ है, और ऊपर आ जाता है उसके बाद टूल कैरियर। यहाँ पर रस्से त्रिपाली रखने के लिए बड़ा कैरियर हम साथ में बनाया हुआ है, इंडिकेटर लाइट्स और ब्रेक लाइट्स के साथ स्टील का काम किया हुआ, ऊपर उसके पाइपिंग का काम बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी के साथ, इस गाड़ी में सारा ही काम बहुत ही बारीकी के साथ हमने किया हुआ है। और चलिए हम आपको अभी दिखाते हैं बॉडी का रिव्यू। गाड़ी की बॉडी में छोटी छोटी बातों का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर बॉडी बनाता हूँ। जैसे क्या होता है, जो पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी आती है, सबसे ज़्यादा क्रैकिंग यहाँ पर आती है। आपने जनरली देखा होगा जो गाड़ी की बैक होती है और कैबिन होती है, ये जो बत्ता एडुआ हम लगाते हैं, इसमें क्रैकिंग की बहुत ही ज़्यादा वीक पॉइंट्स आ जाते हैं। उसको वीक पॉइंट को कवर करने के लिए यहाँ पर हम देखते हो 5 इंची प्लेट यहाँ पर साथ में कोना लगाया हो, ट्रायंगल शेप दी हुई है, और वेल्डिंग के साथ और रिवेट के साथ उसको अच्छी तरह से यहाँ पर कैबिन के साथ बॉडी को जॉइंट किया हुआ है, और नीचे में भी यहाँ पर हमने चेसिस के साथ बीम सपोर्ट भी दिए हुए हैं। बॉडी के व्यू में यहाँ पर कश्मीरी बॉडी आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले मेन बात आ जाती है कश्मीरी बॉडी में, जो साइड जंगले होते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं तो साइड जंगले वहाँ पर 3D डिज़ाइन में यहाँ पर हमने साथ में बनाए हुए हैं, और हैवी लुक, बहुत ही हैवी यहाँ पर साथ में बनाए हुए हैं, आगे से भी और यहाँ पीछे से भी। और उसके बाद उसके ऊपर चलते हैं तो आ जाते हैं बीम्स, मलेशिया साल के यहाँ पर एडुए जो बत्ते लगे हुए हैं, वो मलेशिया साल के यहाँ पर सारे बीम हमने साथ में लगाया है। पीछे में यहाँ पर 4 बीम हैं, साथ में डबल एंगल हैं, और आगे की तरफ यहाँ पर आपको 6 बीम आगे की तरफ यहाँ पर मिलेंगे, और सारा ही जो एंगल है वो 2 सूत हैवी एंगल है, 6 mm का एंगल लगा हुआ है। जो चादर है वो 1 इंची नीचे से बेंड की हुई है, 4 फिट की चादर लगी हुई है। साथ में इसी चादर के साथ यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है बॉडी पर, एप्पल का यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है। 3M रेडियम का काम भी यहाँ पर आप देख दो, साथ में 3M रेडियम काम है। पार्किंग लाइट्स, ब्रेक लाइट्स और इंडिकेटर्स लाइट्स, ये सब काम हम आपको साथ में करवा कर देंगे एक ही प्राइस में। यहाँ पर बर्फ को हटाने के लिए यहाँ पर बेलचे भी साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं, और जो पत्तियाँ उस पर सारा स्टील का वर्क यहाँ पर हुआ हुआ है, और गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स का आप मार्का यहाँ पर दे दो। KGN ट्रांसपोर्ट की ये गाड़ी है, कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की गाड़ी है, पूंछ डिस्ट्रिक्ट की। और ऊपर में देखो, सबसे मेन बात आ जाती है इस गाड़ी में लरें, स्टील लर के साथ यहाँ पर फुल बॉडी हमने इस गाड़ी में तैयार की है। उसके बाद ऊपर में हमने यहाँ पर चैनल का काम किया, उसके ऊपर प्लस हमने यहाँ पर पाइप का काम किया हुआ है, और सारा ही काम हमने कस्टमर को यहाँ करवा के दिया। जैसे यहाँ पर सिंगल कुंडी बॉडी पर, और उसके बाद डबल कुंडी ऊपर लर पर, ये सब काम आपको करवा के देंगे। यहाँ पर एक साइड गाड़ी में यहाँ पर खिड़की रखी हुई है, यहाँ पर देखते हो हैवी खिड़की यहाँ पर साथ में। अंदर में जो फर्श लगा हुआ है वो लकड़ी का फर्श इस गाड़ी में हमने यहाँ पर डाला हुआ है, और ऊपर में जो बत्ते डाले हुए हैं, 4 बत्ते हमने ऊपर में डाले हुए हैं टोटल। ये 18 फिट की ये टाटा 1918 है, और बैक इस गाड़ी की बहुत ही हैवी बनाई हुई है, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर ये गाड़ी चलनी है। और इसी प्रकार यहाँ पर देखते हो जो साइड मड़गाड़ है, यहाँ पर देखते हो स्टील मड़गाड़, ये भी हम आपको साथ में बना कर देंगे। जो कश्मीरी गाड़ियाँ होते हैं उसमें यहाँ पर देखते हो व्हील कैप्स, वो भी हम आपको कश्मीरी गाड़ियों में साथ में बनाकर देंगे। और जो मड फ्लैप्स हैं यहाँ पर देखो, मड़गार्ड इस हिसाब से हमने बनाया ताकि जो साइड जंगले में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप यहाँ पर ऊपर उठा सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लाइटिंग काम बॉडी के यहाँ पर नीचे, यहाँ पर लाइटिंग काम भी यहाँ पर हम करवा कर देंगे। अगर आप यहाँ पर अपनी कमानी भी काम करवाना चाहते हो, कमानी का काम वो भी यहाँ पर हो जाता है, ताना राड सब कुछ यहाँ पर हो जाता है, और वो भी आप हमसे जानकारी ले सकते हो। हमारे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो 9041144223 पर। और चलिए हम आपको एक बार डाले का व्यू दिखाते हैं, डाले में आपको क्या नया चीज़ मिलने वाला है कश्मीरी गाड़ी में। कश्मीरी गाड़ी का डाला बहुत ही हैवी बनता है, रेडियम डिज़ाइन बहुत ही जुदा बनते हैं, और डाला बहुत ही हैवी होता है। यहाँ पर सबसे मेन जो पार्ट है वो डाले का, यहाँ पर रेडियम डिज़ाइन देख सकते हो, ब्लो हॉर्न यहाँ पर लिखावट हुई हुई है, और यहाँ पर साइड स्टील भी होती है यहाँ पर, और 30 इंची गाड़ी का यहाँ पर डाला बना हुआ है। उल्टा एंगल यहाँ पर हम आपको लगा कर देंगे, और जो मेन गाड़ी है उनमें सीधा होता है, कश्मीर में यहाँ पर उल्टा एंगल लगाता है, उसके ऊपर यहाँ पर 3 पाइप्स की यहाँ पर स्पोर्टिंग साथ में दी होती है, और संगल देख सकते हो यहाँ पर साइड पर प्लेस होगा। जो बत्ता है पीछे उस पर भी सारा रेडियम का काम होता है, यूज रिपर एट नाइट, यहाँ पर देखते हो रेडियम का ही सारा कश्मीरी गाड़ी का डाला बनता है। जाली 2 इंची जाली हैवी एंगल के साथ है, और छोटी छोटी बातों का यहाँ पर देखते हो लिखावट, यहाँ पर एंगल पर लिखावट हुई है। सेंसर्स भी देख सकते हो आप सामने प्लेस किए हुए हैं, और यहाँ पर चेसिस सेंसर्स, और पीछे यहाँ पर प्लेट लगाई हुई है हैवी प्लेट, ताकि चेसिस बेंड ना हो पाए। और छोटी छोटी बातें, जो बम्पर देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ ये पीछे वाला बम्पर है, यहाँ पर देखते हो
पहले वाली यहाँ पर प्लेट साथ में बनाई हुई है, सेल्फी क्वीन, और यहाँ पर बादशाह की यहाँ पर बैजिंग है। और ये देख सकते हो छोटे छोटे ये पार्ट्स होते हैं, हैंडल्स हो गए, स्टील बॉल्स होगी, सब कुछ आपको यहाँ पर मैं आपको लगवा कर दूंगा एक ही प्राइस में। कोई भी इस गाड़ी का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, रेडियम का डिज़ाइन का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, जो भी है स्टील वॉल्स है, जो कुछ आप लगाए, आपने सिर्फ ये बताना है कि सर आपने कश्मीरी टाइप में हमारी गाड़ी तैयार करनी है, तो मैं आपको उस हिसाब से आपको रेट अपना यहाँ पर बताऊँगा। पीछे में देख सकते हो यहाँ पर स्पेयर फट्टे हैं, जो 5 स्पेयर फट्टे हमने डाले हैं यहाँ पर, वो लकड़ी के डाले हैं। आप लोहे के भी डलवा सकते हो और उस पर आप जो मर्जी बनवा सकते हो, ताजमहल बनवा सकते हो, कोई सीनरी बना सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो अभी पहाड़ों की यहाँ पर सीनरी बनाई हुई है। और अभी आपने कश्मीरी गाड़ी का फुल काम देखा, कैबिन का काम भी आपको हमने दिखाया, बॉडी का वर्क भी दिखाया और डाले का व्यू भी हमने आपको दिखाया। अगर आपको इस गाड़ी की फुल वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाना और साथ में हमारे YouTube प्लस Facebook चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।